Welcome to Amjit Academy. In the last lecture, we have discussed about specific heat capacity of solids, liquids, and gases. And we have seen that we require two specific heat capacities for gases: specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. And in the last lecture, we have seen that the specific heat capacity at constant pressure is greater than specific heat capacity at constant volume. उसी तरीके से हमने पिछले लेक्चर में मोलार स्पेसिफिक हीट और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इसका रिलेशन भी देखे थे. तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से कितनी बड़ी होती है, उनमें क्या रिलेशन है, वो हम इस इक्वेशन के थ्रू देखेंगे जिसका नाम है मेयर्स रिलेशन. तो मेयर्स रिलेशन विल रिलेट सीपी एंड सीवी और आई कैन से एसपी एंड एसबी. सो टू डिराइव दिस रिलेशन, वी सपोज दैट वी हैव टेकन एन आइडियल गैस एट प्रेशर P, volume V, temperature T, absolute temperature T, and we are going to supply heat to this gas under two conditions. First time keeping the volume constant and second time keeping the pressure constant. So we start with at constant volume. At constant volume, we will keep the volume constant. So practically, how can this be achieved? If I take this as a cylinder, और इसके अंदर हमने gas enclosed करके रखी हुई है, gas enclosed है, ये piston है, और ये gas भरी हुई है, एक ideal gas भरी हुई, ये piston है, और हमको यहाँ पर volume को constant रखना, volume constant रखना है. मतलब ये पिस्टन को हमको फिक्स कर देगा. दिस पिस्टन विल बी फिक्स्ड एंड वी विल सप्लाई हीट टू दिस गैस एंड इंक्रीज द टेम्परेचर. नाउ सपोजिंग इन दिस सिचुएशन वेयर आई हैव केप्ट प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो हियर आई कैन से द प्रेशर इज वेरिंग. नाउ आई एम सप्लाइंग हीट. In this case, I suppose that I have supplied a heat of dQV. So dQV is the heat supplied at constant volume. dT is the rise in temperature. dT is rise in temperature, increase in temperature. Now, because of this giving heat, the internal energy of the gas will increase. Whatever heat is supplied in this case is used to increase the temperature of the gas. And as a result, the internal energy will increase. जिसको मैं represent करूंगा dE से. So dE is the increase in internal energy. Increase in internal energy of the gas. देखिए, ये gas enclosed है, cylinder में ये cylinder है, और ये piston fixed है ताकि volume constant रहे. Gas को हम heat supply कर रहे हैं, ये piston है, heat supply कर रहे हैं. तो dQV इतनी heat हमने supply की, जिसके वजह से राइज इन टेम्परेचर हुआ डी टी, और सप्लाइड हीट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज के लिए ही इस्तेमाल होगा. सो इन द लास्ट लेक्चर, अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लेक्चर में जाएंगे तो वहां से आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलेगा. हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट supplied
is equal to mole of the gas into specific heat into rise in temperature. So heat supplied is equal to number of mole into specific heat into rise in temperature. ये इक्वेशन मैं इस कंडीशन में लागू करूंगा. तो मैंने हीट सप्लाई कितनी की है, तो डी क्यू वी इतनी हीट सप्लाई की है. दिस इज इक्वल टू मोल, मैं वन ले रहा हूं यहां. मैं ये सपोज कर रहा हूं कि यहां पर मैंने वन मोल ऑफ गैस लिया है, वन मोल ऑफ गैस लिया. तो मोल की जगह पर आ जाएगा वन इंटू स्पेसिफिक हीट. अब ये स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए मैं यहां पर लूंगा Cv इंटू राइज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर कितने से बड़ा है, dT से बड़ा है. तो इंटू dT. नाउ दिस इक्वेशन आई कैन राइट dQv इज इक्वल टू Cv इंटू dT. और ये जो हीट सप्लाइड है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल हुई. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डी क्यू वी इज नथिंग बट डी ई, दैट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सी वी डी टी. दिस इज द इक्वेशन. मैं इसको इक्वेशन वन कंसिडर कर लेता. आई विल नंबर दिस एज इक्वेशन वन. Now further, I will change the condition now. The condition is changed now. यहां पर ये पिस्टन को मैं रख दूंगा फ्री और अब मैं प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख दूंगा. प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख दूंगा. तो यहां पर दिस पिस्टन इज फ्री और प्रेशर कॉन्स्टेंट है. पहले वॉल्यूम कॉन्स्टेंट था, अब प्रेशर कॉन्स्टेंट. तो मैं dQp इतनी हीट सप्लाई करूंगा जिसके वजह से dT इतना टेम्परेचर राइज, यहां पर भी उतना ही राइजिंग टेम्परेचर मैं करवाना चाहता हूं. यहां पर भी इंटरनल एनर्जी dE से ही बढ़ाना चाहता हूं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस. अब यहां पर डिफरेंस ये है कि ये जो हीट सप्लाइड होगी इट विल बी यूज्ड फॉर टू पर्पसेस. नंबर वन, to increase the temperature by dT, and the other thing is that since this piston is free, there will be work of expansion. The gas will expand. This gas will expand. As a result, the piston will be thrown up. This piston will come to new position here. For example, it comes here. This piston is coming here. So this much is the increase in volume. This is the increase in volume. This is the increase in volume. The piston was at position 1. Now it has come to position 2. So its volume has increased by dV. It has done work of expansion, external work of expansion. क्योंकि ये piston उठ जाएगा, ये gas जो है ये expand होगी और इस वजह से पिस्टन ऊपर उठेगा. एंड देयर विल बी वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एक्सटर्नल वर्क विल बी डन. सो हियर आई विल हैव टू ऐड वन मोर टर्म, दैट इज dW इज इक्वल टू वर्क ऑफ एक्सपेंशन. गैस एक्सपांड होगा और ये पिस्टन जो है तो ऊपर चला जाएगा. यहां पर इस इक्वेशन में मैं तब्दीली लेकर आऊंगा. इस सिचुएशन याद रखिए कि हमने टेम्परेचर पहला जितने से बढ़ाया था, dT से बढ़ाया था. अभी भी सेकेंड कंडीशन में भी हम टेम्परेचर को dT से ही बढ़ा रहे हैं, जिससे कि उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी dE रहेगा. लेकिन यहां पर एक नई चीज जो ऐड हो जाएगी, तो यहां पर ये पिस्टन ऊपर उछल जाएगा और वर्क ऑफ एक्सपांशन होगा, गैस एक्सपांड होगा, वर्क विल बी डन, एक्सटर्नल वर्क विल बी डन. यहां पर ये चीज
additional hai, dW. So now we will use this equation here in this case for at constant pressure. At constant pressure. Ye jo bhi sari cheeze liya hai maine, this is at constant pressure. Now let's see. Heat supplied, how much is the heat supplied? It is dQP is equal to mole. I am taking 1 mole, so it is 1 multiplied by specific heat. Now I will be taking it as CP, and the rise in temperature still I am taking it as dT. dT is the rise in temperature. So now dQP is equal to, if I simplify this, dQP is equal to CP into dT. Now the heat supplied at constant pressure is equal to the change in internal energy plus the work of expansion. So now I can say that this dQP is equal to, this dQP is equal to, is equal to one thing, increase in internal energy, that is dE, plus work of expansion, and the work of expansion is dW plus dW. But if you look at equation 1, you will come to know that this dE has a certain value. Equation 1 mein aapke paas jaakar dekh lijiye aap. dQP की वैल्यू ऊपर भी निकाली हुई है, ये ऊपर स्पेसिफिक हीट का इस्तेमाल करके निकाली हुई है, और यहां पर अब मैं सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं. तो dQP की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा CPdT, CPdT ऊपर के ही इक्वेशन से, इसको आप इक्वेशन 2 भी बोल ले सकते हैं, ताकि फिर इक्वेशन 1 भी आप देख लें. अब dE की वैल्यू इक्वेशन 1 से देख लीजिए, तो वहां पर वो आई है CVdT प्लस dW जो है वर्क ऑफ एक्सपेंशन, उसका फॉर्मूला है PdV. PdV ये मैं यहां पर थोड़ा इधर हटकर लिखता हूं ताकि आपको दिखाई दे. तो CPdT dQP की वैल्यू, dE की वैल्यू CVdT प्लस dW का फॉर्मूला है PdV. PdV, ये PdV क्या है? dW की वैल्यू. तो P है प्रेशर और dV है इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो यहां पर हमने ये बताया, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम है, ये dV है, इतने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. तो dW की ये वैल्यू डायरेक्टली आपको ले लेना है. नाउ विल कंटिन्यू फर्दर द डेरिवेशन. Now let me find out the value of this PdV. For that I will be using the ideal gas equation for 1 mole. For 1 mole ideal gas equation is PV is equal to RT. PV is equal to RT. Isko is equation ko differentiate karenge. So if we differentiate, we will get PdV is equal to RdT. यानी कि P को वैसे ही रखिए और dV का डेरिवेटिव लीजिए. R already constant है तो वो बाहर रहेगा, और T का डेरिवेटिव dT. तो यानी कि PdV is equal to RdT. ये वैल्यू मुझे मिल गई है PdV की. सपोज इसको इक्वेशन 3 बोलते हैं. तो ये जो वैल्यू आई है PdV, मैं इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करूंगा. सो इक्वेशन 3 बिकम्स, सो इक्वेशन 3 बिकम्स CPdT जैसे के वैसे ही रहेगा. CPdT इज इक्वल टू CVdT, में भी कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हम, CVdT प्लस PdV की जगह पर मैं रख दूंगा RdT. RdT, so as you can see that dT is common throughout the equation on both the sides, so that's why it will get cancelled and I will get CP is equal to CV plus R, or
इसको और दूसरे तरीके से अगर हम लिखें तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. सो दिस इज द इक्वेशन विच रिलेट्स Cp एंड Cv. सो द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज is equal to R. R is universal gas constant. So this equation is called as Mayer's relation. And this will be in the units of joule. Now the same equation I can write in the units of calories if I introduce J, mechanical equivalent of heat. So that becomes Cp minus Cv is equal to R upon J, where J is mechanical equivalent of heat. So J is mechanical equivalent of heat. So that now this equation will be in calories. हीट की वैल्यूज, अगर स्पेसिफिक हीट्स के वैल्यूज आपको जूल में दिए हैं तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के वैल्यू कैलोरीज में दिए हैं तो तब आपको जे से डिवाइड करना पड़ेगा. सिमिलरली दिस इक्वेशन फॉर द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स कैन बी रिटन एज, आपको याद होगा एस पी और एस वी था, तो फॉर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स दिस रिलेशन विल बी एस पी माइनस एस वी इज इक्वल टू आर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू जे. देखिए ये इक्वेशन इन जूल और ये दोनों जो डिफरेंस है ये है डिफरेंस इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, जो कि मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है, तो इज इक्वल टू आर इन द यूनिट ऑफ जूल. अगर आप कैलोरीज में ले रहे हैं तो दिस इक्वेशन इस इक्वेशन में चेंज आएगा, डिवाइड बाय जे लेना पड़ेगा जो कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है. अब उसी तरीके से ये हमने रिलेट किया मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, इसी तरीके से हम जो है तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज से रिलेट करेंगे, तो वो रहेगा एस पी माइनस एस वी इज इक्वल टू आर अपॉन एम जीरो जे, वेर एम जीरो इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस. सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द मेयर्स रिलेशन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी समथिंग अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके हम ये Cp और Cv के वैल्यूज मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए डिटरमाइन करेंगे. उसके आप रीडिंग करके रखिए, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर.